बच्चों आज हमारा टॉपिक आज हम पढ़ेंगे मेमोरी। हमारे सिलेबस में नेक्स्ट टॉपिक है स्मृति। स्मृति क्या है आप में से कोई बताएगा स्मृति क्या है? हम लोग अपने जीवन में कोई ना कोई व्यक्ति जो है यहाँ इस लेवल पर जो व्यक्ति पहुँचा है वो भी जानता है कि बिना स्मृति के सारे वो इस लेवल पर नहीं पहुँच सकता। तो कोई भी बच्चा ये बताए स्मृति क्या है? आप लोग सब काम में लेते हैं, सबने यूज़ किया हुआ है, मेमोरी शब्द सुना हुआ है, बताइए कौन बताएगा स्मृति क्या है? कोई नहीं, चलिए। स्मृति पहले सीखे गए अनुभवों को वर्तमान में दोहराना। जो विषय सामग्री हमने पहले सीखी उसको वर्तमान में रिप्रोड्यूस करना, पुनरुत्पादित करना स्मृति कहलाता है। स्मृति एक मानसिक प्रक्रिया है ना कि एक योग्यता। बच्चों प्रक्रिया और योग्यता में डिफरेंस होता है। प्रक्रिया मीन्स जो कि हम बच्चा जन्म के समय जो गुण व्यक्ति के अंदर या बच्चे के अंदर जन्म से विद्यमान नहीं होता। जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद जैसे जैसे उसका विकास होता है, जैसे जैसे वो सामाजिक वातावरण में आता है, तो वातावरण में आने पर उसका वो विकसित होता जाता है और उसकी जो है प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। और योग्यता जो व्यक्ति के अंदर जन्म से विद्यमान होती है। तो स्मृति एक मानसिक प्रक्रिया है। व्यक्ति आपने देखा होगा अगर बच्चा पैदा हो और उसको जो है अपने पुराने अनुभव याद हो, पुराना जीवन याद हो, तो हम इस समाज में अफरा तफरी मच जाएगी, व्यक्ति का जीवन जीना जो है मुश्किल हो जाएगा। तो स्मृति एक मानसिक प्रक्रिया है। जब हम समाज में आते हैं तो उसके बाद जैसे जैसे हम विकसित होते हैं, वातावरण में हम बड़े होते हैं, तो हमारा जो है स्मृति का प्रक्रिया या प्रोसेस स्टार्ट होता है। तीन तरह से स्मृति की बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न तरह से समझाने की कोशिश की है। वुडवर्थ और स्कोल्सबर्ग एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया कि स्मृति सीखी हुई क्रिया को फिर से करना है। स्मृति सीखी हुई क्रिया को फिर करना है, यानी कि जो हमने पूर्व में जो याद किया, जो हमने पूर्व में सीखा, उसको दोहराना, उसको वर्तमान में याद करना या उसको रिवाइज करना, वो स्मृति कहलाती है। वुडवर्थ और स्कोल्सबर्ग ने जो परिभाषा दी है, परिभाषा बहुत कुछ जो है हिलगार्ड और एटकिंसन की परिभाषा के समान है। उन्होंने स्मृति में वर्तमान प्रत्युत्तर पर पहले अनुभवों के प्रभाव को महत्व दिया है, यानी कि व्यक्ति वर्तमान में जो भी याद कर रहा है, जो भी सीख रहा है, उसका पूर्व अनुभव जो है अपना प्रभाव उस पर डालता है। इस प्रकार स्मृति जो है स्मृति में पुराने अनुभवों को चेतना स्तर पर लाया जाता है। जो भी हमने पहले याद किया है उसको हमारे कॉन्शियस लेवल या चेतना स्तर पर लाना ही स्मृति कहलाती है। स्मृति जो है एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के अंतर्गत सबसे पहला जो प्रोसेस आता है वो है लर्निंग, सीखना। व्यक्ति जो है किसी भी चीज़ को याद करने से पहले उसको सीखता है। ये स्मृति का पहला प्रोसेस है। सीखने के बाद सीखी गई विषय सामग्री को संजो कर रखना, वो स्मृति का दूसरा प्रोसेस है या दूसरी प्रक्रिया है, जिसको हम कहते हैं धारण करना, यानी कि सीखी हुई विषय सामग्री को ब्रेन में धारण करना, वो प्रक्रिया कहलाती है रोटेंशन। और तीसरी प्रक्रिया है रिकॉल एंड रिकॉग्निशन, पुनः स्मरण करना और पहचान। पुनः स्मरण सीखी हुई सामग्री जो हमने लर्न की है और जिसको हमने धारण किया है, उस सामग्री को पुनः स्मरण करना या दोहराना स्मृति कहलाता है। स्मृति सीखी हुई सामग्री में वर्तमान सामग्री में पुरानी सामग्री को पहचानना भी हमारा एक फोर्थ प्रक्रिया है, जिसको हम कहते हैं पहचान। तो इस तरह से स्मृति एक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति पहले सामग्री को सीखता है, फिर उसको धारण करता है और धारण करने के बाद उसको रिकॉल या रिकॉग्नाइज करता है, तो हम कहते हैं कि ये व्यक्ति की स्मृति कहलाती है। स्मृति से तात्पर्य पूर्व अनुभूतियों को मस्तिष्क में इकट्ठा रखने की क्षमता होती है। लेमैन एंड बटरफील्ड 1979 ने स्मृति को परिभाषित करते हुए कहा कि विशेष समय अवधि के लिए सूचनाओं को समायोजित करके
या संयोजित करके रखना ही स्मृति है। समय अवधि 1 सेकंड की या उससे कम भी हो सकती है, या जीवन काल भी हम किसी भी विषय सामग्री को संजोकर रखते हैं। आज स्मृति के विषय में जो आधुनिक मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने स्मृति एक प्रक्रिया है उसको 3 भागों में डिवाइड किया है, जो कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम स्मृति को स्पष्ट करते हैं या स्मृति की व्याख्या करते हैं। फर्स्ट है एनकोडिंग, कूट संकेतन। कूट संकेतन में किसी भी सूचना की या बाह्य उत्तेजना का हम प्रत्यक्षीकरण करके उसे एक निश्चित रूप या कूट संकेत के रूप में तंत्रिका तंत्र में ग्रहण करते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि कूट संकेतन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके सहारे सूचनाओं को एक ऐसे आकार या रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है कि वे स्मृति में प्रवेश पा सकें। साधारण बोलचाल की भाषा में स्मृति चिन्हों का निर्माण होना ही कूट संकेतन कहलाता है। स्मृति की पहली अवस्था है जिसे हम एनकोडिंग कहते हैं या कूट संकेतन कहते हैं। इस अवस्था को पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन की अवस्था भी कहा जाता है। तो इस तरह से स्मृति में रजिस्ट्रेशन यानी कि सीखी हुई विषय सामग्री को हम अपने मस्तिष्क में रजिस्टर्ड करते हैं, स्मृति चिन्ह के रूप में उसको धारण करते हैं। सेकेंड प्रक्रिया है संचयन, स्टोरेज। सीखी गई सामग्री को कूट संकेतन के बाद हम संचयन करते हैं। संचयन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें संकेतन द्वारा प्राप्त सूचनाओं को कम समय के लिए संचित करके रखा जाता है। दूसरे शब्दों में संचयन की अवस्था में स्मृति में प्रवेश पा चुकी सूचनाओं या उत्तेजनाओं को कुछ समय के लिए धारण करके रखा जाता है। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं स्टोरेज की प्रक्रिया। और तीसरी प्रक्रिया है रिट्राइवल या पुनः प्राप्ति। जब हम किसी भी सूचनाओं को जब हम संजोकर रखते हैं और उन धारण की हुई विषय सामग्री को जब हम दोहराते हैं या हम उसका रिकॉल करते हैं या हम उसको याद करने की कोशिश करते हैं, तो इस अवस्था को हम कहते हैं पुनः प्राप्ति, यानी कि सीखी हुई सामग्री को वर्तमान समय में दोहराना पुनः प्राप्ति कहलाता है। तो इस तरह से बच्चों स्मृति एक प्रक्रिया है जिसमें प्रथम प्रकरण पहला जो प्रोसेस है वो है एनकोडिंग, दूसरा है स्टोरेज एंड तीसरा है रिट्राइवल। इस तरह से स्मृति एक प्रक्रिया है गत अनुभवों को वर्तमान समय में दोहराना स्मृति कहलाता है। अतः स्पष्ट है कि स्मृति में 3 स्पष्ट अवस्थाएं होती हैं। यदि हम ध्यान से देखें तो स्पष्ट होता है कि स्मृति का यह स्वरूप मनोवैज्ञानिकों को मानव स्मृति को कंप्यूटर मेमोरी से तुलना करने के लिए बाध्य कर देता है। यदि हम व्यक्तिगत कंप्यूटर पर ध्यान दें तो ये स्पष्ट होगा कि इससे मानव स्मृति में 3 अवस्थाएं होती हैं जिसके द्वारा कंप्यूटर अपना मौलिक कार्य करता है। तो स्मृति की इन 3 अवस्थाओं को हम एक एग्जाम्पल के द्वारा भी हम समझा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी छात्र या कोई छात्र भारत के सदस्यों की राजधानी का नाम याद कर रहा है, राज्यों की राजधानी की सूची उसके सामने है जिसका प्रत्यक्षीकरण वो कर रहा है और बार बार उसको पढ़ता है, जिसके कारण उसके तंत्रिका तंत्र में कुछ परिवर्तन होता है और कुछ संकेत या स्मृति चिन्ह बनते हैं। यह संकेतन की प्रक्रिया हुई। छात्र राज्यों की राजधानी के नामों को संकेतन करने के बाद उनको धारण करता है या उनको संचित करके रखता है, तो यह संचयन की प्रक्रिया हुई। और संचित की गई विषय सामग्री को दोहराता है, यह जो है पुनः प्राप्ति की प्रक्रिया हुई। तो इस तरह से स्मृति जो है कूट संकेतन, संचयन एवं पुनः प्राप्ति, इन 3 प्रक्रियाओं के माध्यम से चलती है और 3 प्रक्रियाओं के माध्यम से हम इसको स्टडी कर सकते हैं। ये था मीनिंग ऑफ मेमोरी। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मेमोरी, स्मृति कितने प्रकार की है। स्मृति 3 प्रकार की है। फर्स्ट है सेंसरी मेमोरी, सेकंड है शॉर्ट टर्म मेमोरी, थर्ड है लॉन्ग टर्म मेमोरी। सेंसरी या संवेदी स्मृति, संवेदी स्मृति स्मृति का एक लघुतम अवधि वाली स्मृति है। प्रयोगात्मक मनोवैज्ञानिकों के बीच लगभग इस बात की सहमति है कि संवेदी स्मृति में
सूचनाओं को सामान्यतः अधिक से अधिक एक सेकंड की अवधि तक हम संचित करके रख सकते हैं। संवेदी स्मृति के क्षेत्र में बहुत सारे प्रयोगात्मक अध्ययन किए गए और उसकी विशेषताओं के बारे में बताया गया। पहला है, संवेदी स्मृति में चूंकि सूचनाएं सामान्यतः अधिक से अधिक एक सेकंड तक ही संचित रहती हैं, अतः यह स्मृति बहुत ही क्षणिक प्रवृत्ति की होती है। दूसरे शब्दों में, व्यक्ति के सामने उद्दीपक हटा लिए जाने के बाद केवल उद्दीपक चिन्ह ही संवेदी स्मृति के रूप में विद्यमान रहते हैं। सेकंड, एसटीएम की तुलना में एलटीएम संवेदी स्मृति की संरचना क्षमता संचयन क्षमता बड़ी परंतु एलटीएम की संचयन क्षमता की तुलना में छोटी होती है। सेंसरी मेमोरी में जो भी सूचनाएं हैं वो अपने मौलिक रूप में या अनप्रोसेस रूप में होती हैं। जैसा का जैसा जो हमने याद किया है वो अपने उसी रूप में संवेदी स्मृति में रहती हैं और स्मृति चिन्ह के रूप में विद्यमान रहती हैं। सेंसरी मेमोरी में संचित सूचनाएं उद्दीपकों का यथार्थ प्रतिनिधित्व करती हैं, जबकि अल्पकालीन स्मृति और दीर्घकालीन स्मृति में सूचनाएं विकृत होकर इनएक्यूरेट होती हैं, अयथार्थ होती हैं। तो इस तरह से संवेदी स्मृति जो है वो क्षणिक होती है, जिसको कि व्यक्ति एक क्षण तक याद कर सकता है किसी भी विषय वस्तु को। नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म मेमोरी या लघुकालीन स्मृति। लघुकालीन स्मृति जो ऐसी स्मृति जिसको कि सीखी गई विषय सामग्री को हम 20 मिनट तक याद रख सकते हैं। कई बार हम कुछ समय पहले सीखी गई सामग्री को भी भूल जाते हैं। कुछ समय पहले सीखी गई विषय सामग्री को विषय सीखी गई सामग्री की स्मृति अल्पकालीन स्मृति कहलाती है। किसी सामग्री को सीखने के कुछ ही मिनट बाद धारण का मापन करना होता है, जो कि सेंसरी या शॉर्ट टर्म मेमोरी कहलाता है। यानी कि जैसे कि हम मोबाइल के नंबर हैं, हम उसको 10 मिनट तक याद रख सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी जो कि क्षणिक होती है, कुछ मिनटों तक हम उसको याद रख सकते हैं। तीसरा है लॉन्ग टर्म मेमोरी। दीर्घकालीन स्मृति, सीखी गई विषय सामग्री को जब हम कुछ घंटों, कुछ दिनों और कुछ महीनों तक या सालों तक जब हम याद करते हैं तो उसे हम कहते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो बच्चों, इसके लिए बहुत सारी विधियां हैं जिनको हम पढ़ेंगे कि किस तरह से हम जो है लॉन्ग टर्म मेमोरी और शॉर्ट टर्म मेमोरी को संजो कर रखते हैं या उनका हम परीक्षण करते हैं या हम वो धारण की गई विषय सामग्री का मापन करते हैं। तो बहुत सारी विधियां हैं जो हम पढ़ेंगे शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए। शॉर्ट टर्म मेमोरी का अध्ययन करने के लिए कई विधियों का इस्तेमाल किया जाता है। पहली विधि है डिस्ट्रैक्शन टेक्निक या व्यवधान विधि। शॉर्ट टर्म मेमोरी के अध्ययन के लिए इस विधि का उपयोग पैटरसन एंड पैटरसन ने 1959 में तथा ब्राउन ने 1959 में प्रारंभ किया था, इसलिए इसे ब्राउन पैटरसन विधि भी कहते हैं। इस विधि में अधिगम सामग्री को सब्जेक्ट के सामने एक बार प्रस्तुत किया जाता है। सामग्री प्रस्तुत करने के बाद धारण अवधि में सब्जेक्ट को कोई अंतर्वेशी कार्य में कोई ना कोई बाधा उसको उत्पन्न कराई जाए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए सब्जेक्ट को हम 1 से 10 तक गिनती याद करने के लिए देते हैं और जो उसने लर्न की है और जब हम उसको रिकॉल कराएंगे तो उसके बीच में जो हम कोई उसको अन्य कार्य करने के लिए दें, फॉर एग्जाम्पल हम उसको कुछ अन्य टेक्स्ट पढ़ने के लिए दे दें, कोई पैराग्राफ पढ़ने के लिए दे दें, तो जो है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी इस बाधा के कारण हम जो पहले हमने जो 10 वर्ड्स याद किए थे उनको यदि हम भूल जाएं तो ये हम डिस्ट्रैक्शन टेक्निक हम इसको कहते हैं कि सीखी गई सामग्री में यदि व्यवधान डाल दिया जाए तो वह व्यवधान हमारी सीखी गई सामग्री को प्रभावित करता है, जिसके कारण हम सीखी हुई विषय सामग्री को भूल जाते हैं। दूसरी है प्रोब टेक्निक। प्रोब, इस विधि का उपयोग
मर्डॉक ने 1961 में किया था। उसके बाद बहुत सारे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने इस विधि के बारे में बताया। पैटरसन और उसके सहयोगियों ने 1962 में इस विधि का अध्ययन किया। सॉल्समैन 1963 ने और कैपल 1965 ने इसका उपयोग किया। इस विधि के में सामग्री के विभिन्न पद कुछ समय के लिए सब्जेक्ट